हेलो एवरीवन तो करंट अफेयर की सीरीज में ही ये हमारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड तीसरी वीडियो है जिसमें हम बैडमिंटन और फुटबॉल को डिस्कस करेंगे बैडमिंटन की अगर आप बात करें और बैडमिंटन की टूर्नामेंट में मैड्रिड मास्टर्स 2023 में अगर आप देखें तो मेन सिंगल का जो टाइटल है कैंटा निशीमोटो को मिला और विमेन सिंगल्स का टाइटल जो है वो जॉर्जिया मेरिस्का को मिला ठीक है जी मेड्रिट मास्टर्स इसके बाद स्विस ओपन की बात करें स्विट्जरलैंड में ये होता है 2023 तो मेन सिंगल के वेंटेब को ये टाइटल मिला और वीमेन सिंगल में पी चोंगवांग को ये टाइटल मिल गया है अगली जो हमारे पास सीरीज है ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 बैडमिंटन मेन सिंगल में लाई शीफेंग एंड वीमेन सिंगल में एन शीयोंग योंग इसके बाद अगर आप देखें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है 2022 जो टोक्यो में हुई थी इसके बारे में देखें तो मेन सिंगल्स में अगर आप देखेंगे तो विक्टर एक्सलसन इनको ये टाइटल मिला एंड विमेन सिंगल में एकेन याम गुची इनको ये टाइटल मिल गया बैडमिंटन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट कप्स भी याद करने की जरूरत पड़ती है जिसमें इंपॉर्टेंट है ऊबर कप एंड थॉमस कप ये दोनों कप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बैडमिंटन की बात करते हैं तो ऊबर कप का जो विनर है वो साउथ कोरिया है और रनर अप चाइना वेरेस थॉमस कप अगर आप देखेंगे तो थॉमस कप का विनर जो है वो है इंडिया और रनर अप जो है वो है इंडोनेशिया तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड करंट अफेयर थे नाउ बात करते हैं फुटबॉल देखो फुटबॉल की अगर आप बात करें तो एक ट्रॉफी है हमारे पास संतोष ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी इंडिया में ही होने वाली एक ट्रॉफी है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स खेलती हैं पार्टिसिपेट करती हैं ठीक है जी तो इसमें विनर जो है हमारी कर्नाटका और रनर अब जो थी, थी मेघालय सुपर कप सुपर कप भी सेम इसी तरीके का एक कप है आपका विनर जिसमें रही ओडिशा की फुटबॉल क्लब और रनर अप जो रहा वो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब रहा सुपर कप में Then, बात करते हैं फीफा देखो फीफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं वर्ल्ड की तो फीफा जो है आपका देखें इंटरनेशनली फुटबॉल का जो सबसे बड़ा जो कप होता है या आप टूर्नामेंट इसको बोल सकते हैं ठीक तो वो आपका फीफा कप होता है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा फीफा पहली बार फीफा का वेन्यू फीफा कहाँ पे हुआ था दोहा में हुआ था ठीक है जी चले और ट्वेंटी सेकेंड एडिशन था ये भी बात याद रखें आप ट्वेंटी सेकेंड एडिशन नेक्स्ट फीफा कहां पे होगा कल भी बताया था तीन डिफरेंट कंट्रीज में होगा यूएस मेक्सिको एंड कैनेडा चले जीता कौन इसमें अर्जेंटीना और रनरअप कौन रहा फ्रांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे अर्जेंटीना जीती है और रनरअप कौन रहा फ्रांस रहा इसमें साथ ही टेनिस की अगर आप बात कर लें टेनिस की बात कर लें तो इसी में एक टूर्नामेंट है इटालियन ओपन ओपन 2023 में अगर आप देखें मेन सिंगल का टाइटल जो था वो डैनियल मेडवेडेव को मिल गया एंड सिंगल में एलिना राय को मिल गया देन ओपन मेन सिंगल में कार्लोस कार्लोज अलमेन सिंगल में ए सबलिंका देन कुछ मिसलिनियस इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या फिर बातों की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंट अवार्ड किनको मिला है वी कार्तिकन पांड्यान वी कार्तिकन पांड्यान जिन्होंने हॉकी की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन की होती है उनको यह अवार्ड मिलता है तो ये वी कार्तिकन पांड्यान को मिला है ये ओडिशा के एक आई ऑफिसर है चले लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ठीक है जी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लॉरेंस किसे मिला है Messi को एंड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द इयर शैली एंड फ्रेजर पायरेस एशियन बिलियान बिलिया अगर आप देखेंगे ये जो होती है आपकी स्नूकर जो है स्नूकर गेम से रिलेटेड है तो पंकज अडवाणी को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बेथ मीट बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगर आप देखें तो वो वेट लिफ्टर मीराबाई चान मीराबाई चान को आप देखेंगे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका है वेट लिफ्टिंग में Indian क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम की अगर आप किट स्पॉन्सर की बात करें तो अभी कौन है Adidas. Now, नीरज चोपड़ा नंबर वन रैंकिंग किसके पास है नीरज चोपड़ा के पास है इंडिया won थ्री सिल्वर मेडल्स इन एशियन weightlifting championship. चैंपियनशिप बाबर आजम बन गए फास्टेस्ट प्लेयर टू स्क्योर 5000 थाउजेंड रन्स। रन रन्स रन की अगर आप बात करें तो 5000 पहले रन बनाने वाले जो सबसे तेज बल्लेबाज हुए हैं उनका नाम है बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं। चले दोहा में डायमंड लीग 2023 जो हुई उसके भी विनर कौन रहे नीरज चोपड़ा रहे चले, देन कैगिसोर रबाड़ा जो है फास्टेस्ट प्लेयर रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में हंड्रेड विकेट ली जी फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना तो नंबर वन टीम बन गई है और इंडिया फीफा में हंड्रेड पोजीशन पे आया है बहुत ही अच्छी बात है पहले रैंक ये बहुत हमारा नीचे था 146 था ठीक है के अभी टॉप कर गया हुआ, थोड़ा ऊपर आ गया इंग्लैंड सैमकरन हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल आईपीएल का प्लेयर आईपीएल में इंग्लैंड के प्लेयर सैमकरन और सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर ये हो गए हैं चले